एवरीवन, दिस इज निकिता खानविलकर एंड वेलकम बैक टू इंडियन रिएक्शन। गाइस, मैं चार पांच दिनों के बाद लौटी हूँ अभी, बिकॉज अभी केजीएफ का टीजर लॉन्च हुआ है, केजीएफ चैप्टर 2 का, जो 3 साल बाद आई थिंक लॉन्च हुआ है। एंड यू नो, जितनी भी स्टोरीज ऐसी होती है ना, जहाँ पर जो फिल्म मेकर्स जो होते हैं, जो मूवी के मेकर होते हैं, वो लोग बहुत टाइम लेते हैं किसी स्क्रिप्ट पे, किसी मूवी को बनाने में, तो वो जो मूवी होती है वो सबसे बेस्ट होती है आई गेस, बिकॉज आप जितना टाइम लेते हो उतनी ही बेस्ट स्टोरी बनेगी, क्योंकि आप लोग एकदम प्लॉट पे काम करें, यू नो। एंड केजीएफ का जो सबसे बेस्ट बात यही है कि इसका जो प्लॉट है वो बहुत ही क्लियर है, एंड यही चीज़ इसको बहुत ही बेटर बनाती है। लोगों को एक उत्साह होता है कि कब आएगा टीजर, एंड फाइनली टीजर आ गया है और सिर्फ 19 आवर्स हुआ है और 54 मिलियन, आई थिंक 60 मिलियन प्लस व्यूज है, सो इट इज़ सो ग्रेट। एंड अभी मैंने एक मीम्स भी देखा है यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर कहा गया कि ये सबसे फास्ट जिसे लाइक्स मिली हो वैसा ये टीजर बना, सो इट्स सो ग्रेट एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी #1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है, मतलब अभी भी लोग देख रहे हैं, यू नो, बिकॉज हर एक जगह पे इंस्टाग्राम पर जब भी कहीं पर भी खोलोगे तो आपको, इवन स्पॉटिफाई, हर जगह पे इसी की ही अभी चल रहा है कि प्रमोशन चल रहा है कि भाई KGF का टीजर आ गया है, टीजर आ गया है। ट्विटर पे आप कहीं भी खोलोगे आप KGF का ही, यू नो, हर जगह पे वही आपको देखने को मिलने वाला है, बिकॉज सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए। और अभी #1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है, सो गाइज, बिना किसी देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, history tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Beautiful. Powerful people make places powerful. Beautiful. क्या बात है, ओके गाइज, सो पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि इसके जो शॉट्स थे, बहुत ही कमाल शॉट्स थे गाइज। आप लोग सिर्फ उस चीज़ को देखो कि टीज़र जो होता है वो हमारे इंडियन जो भी फिल्म होती है, टीज़र्स जो होते हैं वो हमारे जितनी भी इंडियन फिल्म्स होती है उसमें बहुत ही बेकार बनते हैं, आई टेल यू, बिकॉज हमारे जो ट्रेलर्स होते हैं टीज़र्स में हम लोगों को मोस्टली कहानी पता चल जाती है। बट अभी जितने भी साउथ इंडियन मूवीज़ बनती है ना, उन लोगों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज उन लोगों की स्टोरी में दम होता है, उनके प्लॉट बहुत कमाल होते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, बिकॉज वो जो चीज़ है ना यार, कि इंडिया की जितनी भी फिल्म्स है उसमें जो टीज़र्स एंड ट्रेलर तो बहुत कमाल होते हैं, एंड मतलब हमें कहानी पता नहीं चलती है। एंड जो शॉट्स इन लोगों ने यहाँ पर चूज़ किए हैं कि यही टीज़र में दिखाना है, वो बहुत कमाल था। जो स्टार्टिंग थी उसमें मदर एंड सन वाला जो एक चीज़ थी, वही एंड में भी आई, बिकॉज वो जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस KGF चैप्टर का, जो पूरी सीरीज बनने वाली है फ्यूचर में, तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही सबसे बड़ा प्लॉट है एक्चुअली। प्लॉट जो पॉइंट होता है उसका मेन प्लॉट यही है कि जो मम्मी को प्रॉमिस किया था वो जो चीज़ है, उन लोगों ने इस टीज़र में वो चीज़ दिखाई, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, इमोशनल टीज़र एक्चुअली था, एंड वो जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली ये कुछ ऐसा था जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
एंड इसके जो शॉट्स थे कमाल थे गाइस. आई मीन जो हमारी फिल्म्स होती है उसमें वाइड एंगल्स जो होते हैं वो कोई लेता नहीं है ज़्यादा. वाइड एंगल्स ये एक हॉलीवुड चीज़ है एक्चुअली, कि हॉलीवुड की जितनी मूवीज होती है उसमें वाइड एंगल्स आपको देखने को मिल जाते हैं. एंड वाइड एंगल्स बहुत ही कमाल दिखते हैं स्क्रीन पर एक्चुअली. तो यहाँ पर हमें वाइड एंगल्स देखने को मिले हैं, मोस्टली वाइड एंगल्स थे यहाँ पर. एंड ये बहुत ही कमाल चीज़ थी. एंड इवन ये जो एक्टर है यश रॉकी भाई जिसे हम कहते हैं, ये जो है उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी जो यू नो कंपटीशन जो है वो हॉलीवुड से है, बॉलीवुड की या फिर इंडिया की कोई भी फिल्म उससे उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं है. एंड ही प्रूव ही है बिकॉज ये जो टीज़र था वो बहुत ही कमाल था. आई मीन टीज़र इतना अच्छा है तो ट्रेलर में लोगों को इंटरेस्ट आएगा ही आएगा एंड उसके बाद फिल्म तो लोग देखने ही वाले हैं. बिकॉज आप लोग जब पहली इंप्रेशन डालते हो लोगों के ऊपर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंड वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी है एक्चुअली. सो या इट्स रियली गुड. तो बात करें इस मूवी की तो मुझे लगता है कि पहली जो मूवी थी वो बहुत ही दमदार थी, उसका प्लॉट बहुत ही कमाल था एक्चुअली. एंड ऐसी मूवी थी जो हम लोगों को मतलब ऐसा लगा कि हम पूरी देखें कि फिर क्या होता है फिर क्या होता है. एंड इसी वजह से लोगों को चैप्टर टू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. सो हाँ मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर टू है ये बहुत कमाल है बिकॉज यहाँ पर तीन ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं इस टीज़र में जो पूरी स्टोरी को हिलाने वाले हैं गारंटीड. सो या बहुत ही कमाल लगा एक्चुअली. और ये थिएटर में लॉन्च होने वाला ये हमारा सबसे अच्छा बेनिफिट है बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी जो मूवीज़ होती है उन लोगों ने थोड़ा पोस्टपोन किया था बिकॉज ऑफ थिएटर्स, लोगों को थिएटर्स में देखने में मज़ा आएगा. एंड मास्टर मूवी जो है वो भी थिएटर्स में आने वाली है. सो हाँ बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि हमें थिएटर में देखने को मिलेगा बिकॉज कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हम लोगों ने मोस्टली मूवीज़ यहाँ पर ही देखी. सो या ये जो साल ही अच्छा होने वाला है एक्चुअली, मतलब अभी साल शुरू हुआ है और 7 दिन हुए और हमें ये अच्छा वाला टीज़र देखने को मिला. सो या इट्स गुड. और यहाँ पर संजय दत्त का भी एक फियरलेस कैरेक्टर है एक्चुअली यहाँ पर. सो हाँ थोड़ा स्टाइलिश लुक है, थोड़ा गेम्स ऑफ थ्रोन वाली फील्स है यहाँ पर. सो बहुत से लोग एक्साइटेड हैं एंड हमें ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए कि गेम्स ऑफ थ्रोन वाली थीम एक्चुअली, बट या आई मीन जो चीज़ हमें आती है अंदर से वो हमने कह दिया. बट ये एक ऐसी मोस्टली मूवीज बनती नहीं है इंडिया में, तो अगर बन रही है तो हम लोगों को डेफिनेट देखनी चाहिए एंड ऑब्वियसली लोग देखने वाले हैं. सो गाइज अगर आपको ये टीज़र का रिएक्शन अच्छा लगा है दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.